नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं 15 सेकंड में खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चार आतंकी ढेर, अमित शाह के दौरे के बीच घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पिछले 10 दिन में मारे गए 11 आतंकी। पटना में राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी कर रही नफरत की राजनीति, कांग्रेस करती है जोड़ने का काम। विपक्षी एकता बैठक पर गृह मंत्री अमित शाह ने कसा तंज, कहा पटना में विपक्षी एकता सिर्फ फोटो सेशन, 2024 में 300 से ज्यादा सीटें लाकर मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, एक दूसरे को ये लोग पसंद नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि जनता इनको पसंद कर ले। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, बीसीसीआई ने टेस्ट वनडे टीम का किया ऐलान, 12 जुलाई से शुरू हो रहा है भारत का वेस्टइंडीज दौरा। भारतीय टेस्ट टीम से चेतेश्वर पुजारा की छुट्टी, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को पहली बार टेस्ट टीम में मिला मौका। वनडे और टेस्ट में रोहित शर्मा बने रहेंगे कप्तान, रहाणे टेस्ट और वनडे में हार्दिक पांड्या होंगे उप कप्तान, वनडे और टेस्ट टीम में मुकेश कुमार को मिला मौका, संजू सैमसन की भी वापसी। करीब 13 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन बनी सुहाना खान, अलीबाग में 1.5 एकड़ का खरीदा लैंड, खेती करने के लिए ली है जमीन। बारबी डॉल बनकर निकली कियारा आडवाणी, यूनिक डिजाइन वाली स्कर्ट में आई नजर, फैंस ने की लुक और ड्रेस की तारीफ। निशा बांगरे के इस्तीफे से खलबली, प्रशासन ने कार्यक्रम की नहीं दी अनुमति, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन। छतरपुर में रिजाइन के बाद डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने जारी किया वीडियो, इस्तीफे की बात को किया स्वीकार, सर्वधर्म सभा के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति न मिलने और मौलिक अधिकारों का हनन का लगाया आरोप। एसडीएम निशा बांगरे के इस्तीफे पर सियासत, कांग्रेस ने निशा बांगरे के इस्तीफे पर सरकार को घेरा, कहा अफसरों को प्रताड़ित कर रही है बीजेपी की सरकार। उज्जैन वासियों को आसानी से मिलेगा महाकाल के दरबार में एंट्री, जुलाई से आधार कार्ड से मंदिर में मिलेगा प्रवेश, बाहरी श्रद्धालुओं पर दी जाएगी तरजीह। कमलनाथ के कूट रचित पोस्टर को लेकर शिकायत, कांग्रेस ने पुलिस से की पोस्टर की शिकायत, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 3 करोड़ की गबन का आरोपी गिरफ्तार, बुरहानपुर पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार, 20 साल से पहचान छिपाकर फरार था आरोपी। इंदौर में शादीशुदा महिला ने युवक को प्यार में फंसाया, फिर थाने में लिखा है दुष्कर्म की रिपोर्ट, राजीनामे में मांगे 30 लाख रूपये। पन्ना के किलकिला कुंड में लाश मिलने से हड़कंप, रेस्क्यू कर निकाला गया अधेड़ का शव, पिछले 2 दिन से घर से लापता था 53 वर्षीय थे। बुरहानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 50 मोबाइलों को किया गया जब्त, सभी मोबाइल को उनके मालिकों को वापस लौटाया। दमोह में युवती से लव जिहाद मामले पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कर्नाटक के उमर फारूक के खिलाफ बच्ची ने कराई है शिकायत, प्रियंका गांधी वाड्रा से अनुरोध, मध्य प्रदेश की बेटी को न्याय दिलाने में करें मदद। पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर वचन पत्र समिति की बैठक, कमलनाथ का बयान, अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ तैयार। बीजेपी नेताओं की कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले कमलनाथ, बीजेपी छोड़ने की बुलेट ट्रेन चल रही है, एक भी ऐसा जिला नहीं जहां बीजेपी नेता परेशान न हो। पोस्टर लगाने पर कमलनाथ का बयान, मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, अगर भ्रष्टाचार किया तो 3 साल में बीजेपी सत्ता में है, कार्रवाई क्यों नहीं की। भोपाल में टीम विद कमलनाथ इंस्टा आईडी पर बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर, न्यूज चैनल के मोनो के दुरुपयोग का आरोप, क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ मामला। कटनी में बीजेपी को लगा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए 2 बीजेपी नेता, पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और शंकर महतो ने थामा दामन। सागर की घटना पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सरकार ने मामले की जांच के दिए हैं निर्देश, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय के सागर दौरे पर नरोत्तम कवार, बोले दिग्विजय राजनीतिक रोटियां सेकने की कर रहे हैं कोशिश, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दे चुके हैं स्पष्टीकरण, टूटे हुए मकान फिर से बनाए जा रहे हैं। गुर्जर समाज के सम्मेलन पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस को 15 महीने में सब लोग आजमा चुके, कांग्रेस ने गरीब किसान बेरोजगारों के साथ किया धोखा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, बलिदान दिवस के रूप में मना रही बीजेपी। सीएम शिवराज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भोपाल के मनीषा मार्केट में लगे कमलनाथ के पोस्टर, कमलनाथ को पोस्टर में बताया गया वांटेड, पोस्टर में घोटालों का जिक्र। भोपाल में लगे कमलनाथ के पोस्टर को कांग्रेस ने बताया बीजेपी की चाल, केके मिश्रा का बयान, हमें नहीं पोस्टर अभियान की चिंता, जनता के दिलों में है कमलनाथ, बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स पर आई तो हमारे पास भी भ्रष्टाचार के प्रामाणिक तथ्य। भोपाल के गौतम नगर इलाके की ब्रज विहार कॉलोनी के पानी में मिथाइल आइसोसाइनाइड पाए जाने की आशंका, स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग ने पानी के सैंपल लिए, लोगों ने प्रशासन से की थी शिकायत। ग्वालियर में कल निकाली जाएगी रथ यात्रा, महादेव मंदिर से शुरू होगा, क्षत्रिय मैदान देवस्थान पर होगा समापन, सीएम शिवराज भी यात्रा में होंगे शामिल। सीएम शिवराज का कल ग्वालियर दौरा, शहर में रहेंगे 7 घंटे, विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, विकास कार्यों की देंगे सौगात। ग्वालियर के चाइल्ड वेलफेयर दफ्तर में नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश, परिजनों ने सीडब्ल्यूसी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, नाबालिग की शादी के आरोपों से किया इंकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तेज की चुनाव की तैयारियां, 26 जून से पार्टी शुरू करेगी बूथ चलो अभियान, सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम होंगे शामिल। राजनांदगांव में कांग्रेस संगठन में बदलाव पर बोले मोहन मरकाम, चुनाव का समय है, जरूरत के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, शैलजा का पत्र आया उस पर समीक्षा करें। संगठन में बदलाव को लेकर आदेश रद्द होने को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, समय समय पर आदेश होते हैं जारी, जो कार्य विभाजन होता है वो आगामी आदेश तक होता है। मोहन मरकाम के पत्र को शैलजा द्वारा निरस्त करने पर रमन सिंह का तंज, बोले अभी तो शुरुआत है, सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। रायपुर में संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल, नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। नवा रायपुर में ट्रक और कार की भिड़ंत, 3 लोग हादसे में घायल, घायलों का इलाज जारी। बलरामपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, सड़क हादसे के बाद वाहन से मिला शराब का जखीरा, पुलिस कर रही मामले की जांच। दुर्ग में कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, मधुबन नगर की घटना। रायगढ़ में घरघोड़ में कुएं में मिला कंकाल, महीने पुराना बताया जा रहा कंकाल, मामले की जांच कर रही पुलिस। रायगढ़ में सामने आया बाल विवाह का मामला, जांच के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम, शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुआ खुलासा। दमोह में सेंट जॉन स्कूल के मेन गेट के सामने खड़ी कर दी गई दीवार, पुलिस विभाग के सरकारी आवास निर्माण के लिए खड़ी की गई दीवार, स्कूल का मुख्य गेट हुआ बंद। दमोह में राशन दुकान के सेल्समैन ने की सुसाइड, सुसाइड नोट में कई नामों का जिक्र, परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया हंगामा।